दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे तोते का जो पंख है उसको किस तरह से कट करना है। कट करने का क्या प्रोसीजर है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। वेलकम टू माय चैनल पेट टेक एंड ट्रैवल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अभी आप ये देखिए जो पैरोट है ये पूरा फ्लाई कर लेता है। इसका पहले भी एक बार पंख ट्रिम किया गया था लेकिन कुछ कम किया गया था, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के करने वाला हूँ और आपको दिखा देता हूँ। और इसी तरह से आपको भी ट्रिम करना होगा क्योंकि जब भी आप पैरोट को का पंख को ट्रिम नहीं करेंगे तो इसको बाहर आप निकाल नहीं सकते। ये देखिए जैसे मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ, ये रूम अभी बंद है जिसे मैं बाहर निकाल रहा हूँ। और इसके बाद इसको पकड़ना होगा एक कपड़े की मदद से, उसके बाद आप इसको ट्रिम करेंगे। जब ट्रिम करेंगे तो थोड़ा सा तो आपको दिक्कत होगा ट्रिम करने में, लेकिन वो 5-10 मिनट का काम है। उसके बाद क्या है कि ट्रिम हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको हमेशा ओपन में रख सकते हैं। अगर बंद में रखेंगे तो फिर ये टॉकिंग भी आपका बहुत ही कम करेगा, बहुत ही आराम आपसे ज़्यादा एग्रेसिव भी रहेगा। तो ज़्यादा फ्रेंडली बनाने के लिए इसका ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखिए ये फ्लाई कर रहा है तो इसको हम लोग कपड़े से पकड़ेंगे और उसके बाद इसका पंख को ट्रिम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी उड़ रहा है तो यहाँ से अभी इसको मैं निकालने वाला हूँ और इसके पंख को ट्रिम करके मैं आपको दिखला दूँगा। क्योंकि ट्रिम होने के बाद क्या है कि हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं और इजीली, और इसको आराम से हाथ पे भी ले सकते हैं और उड़ने का भी इसमें चांसेस कम हो जाता है। ऐसे बाहर अगर नॉर्मली निकालेंगे तो आपका बर्ड जो है फ्लाई कर जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से निकालना है। अभी मैं सिंगल हूँ इसलिए मुझे इस तरह से पकड़ना पड़ रहा है, आप किसी एक आदमी की सहायता ले लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से पंख को खोल देना है और कपड़े से पकड़ लेना है और पंख को इस तरह से काट देना है और एक पंख आगे का सिर्फ छोड़ देना है, एक या दो पंख आप छोड़ सकते हैं, एक या दो, इससे ज़्यादा आप ना छोड़ें क्योंकि रिंगनेक पैरोट है, ये बहुत हल्के पैरोट होते हैं, ये बहुत जल्दी फ्लाई कर जाते हैं। ये देखिए इस तरह से काट देना है, इस साइड का कट गया है और इसका सुंदरता भी बना हुआ रहेगा। एक पंख आपको सिर्फ छोड़ना है, थोड़ा सा दिक्कत करेगा पकड़ के जब आप इसका कटिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा परेशान होते हैं, आपको भी परेशान करेंगे, तो उस तरह से आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा 5-10-15 मिनट, उसके बाद इसका जो है पंख ईजिली ट्रिम हो जाएगा। इसका देखिए पहले से ही पंख कुछ कटा हुआ है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी ये फ्लाई पूरा अच्छा तरीका से कर ले रहा है। इसका जो नीचे का पंख है वो बढ़ गया है तो उसको हम लोग कट कर देंगे। ये देखिए जो नीचे का कली है उसके ऊपर जो जो पंख बढ़ा है उसको हम लोग को सीरियली कट करना होगा। यहाँ से अभी हम लोग कट कर दिए हैं इसको भी और अब हम लोग डाल देते हैं इसको केज में। नॉर्मली आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया कि कट करना ही पड़ेगा, कोई इसका स्पेशल तरीका नहीं है, बस हाथ से पकड़िए और कट कर दीजिए। अब ये फ्लाई नहीं करेगा, बहुत हल्का फुल्का फ्लाई कर रहा है।